हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत सारे लोग तो सावन के महीने में पूरे महीने ही व्रत रखते हैं। बहुत सारे लोग सावन के महीने में चप्पल नहीं पहनते, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं। इस समय जब स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हमें अपनी बॉडी का पूरा ध्यान देना है, अपनी इम्यूनिटी को बिल्कुल बनाए रखना है ताकि किसी भी तरह के कोई कीटाणु हमें छू ना पाए, तो उस वक्त व्रत रखना कितना सही है ये सोचने की बात है। लेकिन हम अपने धर्म को भी छोड़ नहीं सकते, तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीजें जो आप सावन के सोमवार के या सावन के व्रत में खा सकते हैं और उससे आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी। तो आइए देखें। मगर उससे पहले बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। आप सावन के सोमवार में या सावन के व्रत में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए सामक चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामक चावल व्रत में खाया जाता है। आप इसे चावल की तरह खा सकते हैं या खीर की तरह बना सकते हैं या इससे बनी हुई कोई भी चीज खा सकते हैं। ये आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम करता है और आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा बना रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, फल हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाए रखने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प होते हैं और उसके साथ साथ हर व्रत में फल तो खाए ही जाते हैं। तो सावन के व्रत में भी आप भरपूर फल खाएं, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहे। अच्छा होगा कि आप सीजनल फल खाएं। हर सीजन में सीजनल फल खाना बहुत ही अच्छा होता है और ये आपकी बॉडी को काफी ज्यादा पोषण देता है। तो सीजन के हिसाब से फल खाएं, वो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा और बॉडी को सारे पोषक तत्व मिलते रहेंगे। हर तरह के व्रत में दूध तो पिया ही जाता है, सावन के व्रत में भी दूध जरूर पिया जाता है। तो आप भरपूर मात्रा में दूध और दूध से बनी हुई चीजें जरूर लें। इससे आपकी बॉडी को हर तरह के पोषक तत्व मिलेंगे और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहेगी, ताकि आप किसी भी तरह के वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तैयार रहें। दूध आप ऐसे भी पी सकते हैं और दूध बादाम पिएं तो बात ही क्या है, ये स्वाद और सेहत का खजाना होता है। आयुर्वेद में सिंघाड़े के आटे को एक पोषक तत्व का खजाना माना जाता है। आप सावन के व्रत में सिंघाड़े से बनी हुई पूड़ियां, रोटी और हलवे का सेवन कर सकते हैं। सिंघाड़ा गुणों से भरपूर होता है। इसमें मौजूद विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखता है और आपको किसी भी तरह के रोगों से बचने में मदद करता है। सिंघाड़े का आटा हर तरह के व्रत में खाया जाता है। अखरोट, बादाम, खजूर, पिस्ता, किसमिस, छुहारा, इन सब ड्राई फ्रूट्स में इतने ज्यादा पोषक तत्व होते हैं कि ये आपके शरीर को किसी भी बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की शक्ति देते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आप हर तरह के व्रत में ज्यादा से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाएं, ताकि आपके अनाज की कमी आपके शरीर को ड्राई फ्रूट से पूरी हो जाए और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी किसी भी तरह से कम ना हो और आपको बिल्कुल भी कमजोरी महसूस ना हो। जीरो कैलोरी वाला मखाना पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ब्लड में अगर कुछ पॉइजनस चीजें होती हैं तो उन्हें खत्म कर देता है और बॉडी से डिटॉक्सिफिकेट कर देता है। मखाना आप भुनकर खा सकते हैं, मखाने की खीर खा सकते हैं और किसी भी तरह खा सकते हैं, पर मखाना जरूर खाएं, ये गुणों से भरपूर होता है। विटामिन सी, विटामिन के और आयरन से भरपूर हरी पत्तेदार सब्जियां सावन के महीने में खाना बहुत अच्छा होता है। ये इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। आप सब्जियों को सलाद की तरह भी खा सकते हैं और सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके घर में, आपके व्रत में जो भी सब्जियां इस्तेमाल की जाती हों, उन्हें भरपूर मात्रा में खाएं, ताकि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा बना रहे। सब्जियां इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जबरदस्त काम करती हैं। इसे ज्यादा से ज्यादा सब्जियां जरूर खानी चाहिए।
फलों का जूस हर तरह के व्रत में पिया जाता है और ये बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे बॉडी को डायरेक्ट पोषक तत्व मिलते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज लिक्विड में लेते हैं तो वो बॉडी में तुरंत असर दिखाती है। तो सावन का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, आपको भरपूर मात्रा में जूस और पानी जरूर पीना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी तो बढ़ी ही रहेगी, इसके साथ साथ आपकी बॉडी से जितने भी पॉइजनस तत्व होंगे वो अपने आप यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे। पानी और जूस का सेवन भरपूर मात्रा में हर समय जरूर करना चाहिए। सावन का महीना धार्मिक तौर पर हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर इस वक्त इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी बनी रहे कि कोई भी वायरस हमें ना छू पाए। तो पूजा पाठ व्रत उपवास जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे भी आपके मन को संतोष मिले, वो जरूर करिए, पर अपनी बॉडी का और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी का पूरी तरह ध्यान रखते हुए करिए, ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और कोई भी वायरस बैक्टीरिया आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। सावन की महीने की बहुत बधाई हो। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा।